हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदिनी शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी शुक्ला में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने ब्लॉग इंट्रो से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने कुछ मंगाया है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये है, मैंने फ्लिपकार्ट में, जैसा कि आप लोगों को पता है, 23 से 28 सितंबर के बीच में बिग बिलियन सेल चल रही है, सो उसी का मैंने फ़ायदा उठाया है और मैंने फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से कुछ सामान ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और मैंने फ्लिपकार्ट से और भी काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं जिसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं लिंक भी दे दूंगी उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि अगर आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे तो आप लोग भी लिंक के से जाके और मंगा सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट में और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी, काफ़ी ऑफ है बिकॉज बिग बिलियन सेल चल रही है तो ऑफ तो होगा ही होगा। और इसी का मतलब इतना ज़्यादा ऑफ है ना दोस्तों, कि जैसे कि मैंने कुछ ऑर्डर किया और मैंने कुछ मतलब कार्ट में डाल दिया, मुझे कोई चीज़ पसंद आई मैंने उसे कार्ट में डाल दिया, बट और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाद उसे ऑर्डर करूँगी, तब तक मैं दूसरा कुछ देखने लगी कार्ट में डाल के। मोस्टली यही होता है, हम लोग पहले कार्ट में ऐड कर देते हैं चीज़ों को, देन उसके बाद हम लोग एक साथ बाय करते हैं और प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो जैसा कि मैंने कोई चीज़ मैंने सेलेक्ट करी, उसके बाद मैंने ऐड टू कार्ट में उसको रख दिया, तो और दूसरा मैं सेलेक्ट करने लगी, जब मैं प्लेस ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ फ्रेंड्स, कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मेरे साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको ऐड टू कार्ट में किया, और जब मैं प्लेस ऑर्डर करने गई दूसरी चीज़ों को देखने के बाद, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। समझिए इतना लोग लूट मचाए हैं इस सेल में, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग इतना बाय कर रही हैं इस सेल में। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उसमें बार बार आ जाता है कि सिमिलर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट में क्या है, जो चीज़ हमें अच्छी लगी पहले वो चीज़ नहीं मिलती और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है दोस्तों। तो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फ्लिपकार्ट में लोग परचेज कर रहे हैं चीज़ों को ऑनलाइन अब, इसलिए वो सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही हैं। सो मैंने कहा, मेरे साथ मोस्टली बहुत चीज़ों का ऐसा हुआ जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, इस चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें मंगा भी नहीं पाई, लेकिन ये मैंने मेरा ग्रॉसरी का प्रॉपर आ गया है, बाकी चीज़ें तो एक एक करके आ रही हैं, जैसे ही सारी चीज़ें आ जाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मेरा मतलब रिव्यू मैं दूंगी कैसी चीज़ें थी। अगर आपको अच्छी लगें तो आप ज़रूर मंगाइएगा अपने होम डेकोर के लिए या कुछ जो भी हो। तो मैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ग्रॉसरी का आइटम मंगाया है फ्लिपकार्ट से। बहुत अच्छा है उनका फ्लिपकार्ट में, इस टाइम बहुत ज़्यादा तुरंत डिलीवर कर रहे हैं। मैंने संडे को ऑर्डर किया था पूरा आइटम, 26 आइटम ग्रॉसरी के मैंने संडे को किया था ऑर्डर, और देन मुझे ये मंडे को शाम को पूरे आइटम रिसीव हो गए। ग्रोसरी के उसमें क्या होता है ना कि जल्दी रिसीव हो जाते हैं, और चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन और चीज़ें भी मेरी धीरे धीरे आ रही हैं, बहुत फास्ट डिलीवरी, ज़्यादा फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं इस टाइम फ्लिपकार्ट वालों। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फ्लिपकार्ट से, और देखते हैं और आगे चीज़ें कैसी आती हैं जो मैंने मंगाई हैं। चलो मैं आप लोगों को तब तक ग्रोसरी का दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी चीज़ें ऑर्डर करी हैं और मेरे साथ ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं आप लोगों को वन बाई वन दिखाऊंगी, इनके प्राइस भी बताऊंगी कौन कितने प्राइस का है और मुझे आप ये कितने प्राइस में मिल गया है। सो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सबसे फर्स्ट आइटम है लेज, और ये है क्लासिक सॉल्टेड, और ये है 104 ग्राम का है, और ये मुझे इसमें MRP आप देख सकते हैं 50 का लिखा है, बट ये मुझे 36 का मिला है लेज। तो ये फर्स्ट आइटम हो गया लेज़।
देन ये सेकंड है मैगी मसाला। मैगी मसाला तो बहुत यूज़ होता है हमारे उसमें, और इसमें 6 यूनिट हैं जो 5-5 रुपए की मिलती हैं, वो जो 5-5 रुपए की मिलती हैं वो 12 यूनिट हैं 72 ग्राम की। और इसमें रेट लिखा है, ये 60 का दिया हुआ है और ये मुझे पड़ा है 46 का। देन इसके बाद मैं आती हूँ ये नवरत्न नमकीन की, 10% एक्स्ट्रा है। ये हल्दीराम की है और ये कितने ग्राम की है, ये 440 ग्राम की है। इसमें 99 प्राइस दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये मुझे पड़ी है 473 की। ओके, ये मुझे 73 की पड़ी है। देन नेक्स्ट में आते हैं, ये रहे हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 ऑर्डर किए थे मैंने, और ये हैं कितने कितने ग्राम के, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं 200 ग्राम के, 200 ग्राम के हैं और इसमें रेट पड़ा है 50 पड़ा है, और ये मुझे पड़ा है 133 का और 134 का। पता नहीं उन्होंने कैसे लगाया, बट ये 30, 33, 34 के पड़े हैं। देखिए आप लोग, 50 का है और मुझे 33 और 34 का मिल गया है। तो अब आते हैं नोटकर फन फूड बेस मायोनीज, जिससे हम सैंडविच बनाते हैं, चाहे उसमें जो टैपिंग करते हैं ऊपर से। और ये है मेरा, ये है 500 ग्राम का, मीन्स आधा किलो का है ये, और इसमें 149 रेट पड़े हैं, और ये मुझे मिला है 110 का। ये मुझे 110 का मिला है, देखिए ये मायोनीज मुझे 110 का मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट है ये पीनट बटर। सो ये पीनट बटर बताती हूँ आपको, ये है 340 ग्राम का, 340 ग्राम का, और इसके रेट लिखे हैं 169। देखिए आप लोग रेट लिखे हैं 169, और ये मुझे मिला है कितने का, ये मुझे 82 का मिला है, ये मुझे 82 का मिला है, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया 82 का। और अब आते हैं ये डेनवर, ये डीओ है बॉडी स्प्रे, ये मैंने आर्या के पापा के लिए मंगाया है, 200 ml है, और इसका प्राइस पड़ा है 265, और ये मुझे मिल गया है 130 का, ये मुझे 130 का मिल गया है, जस्ट हाफ रेट में दोस्तों। और अब आते हैं ये विनेगर है ये, और ये फ्लिपकार्ट वालों का विनेगर है, जैसे सैलेड और कुकिंग में आप बनाते हैं नूडल्स वगैरह, 100 ml का है, 70 इसमें रुपीस पड़े हैं, बट ये मुझे मिल गया 18 rupees का। देखिए दोस्तों कितना सस्ता मिल गया 18 का। और नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आइटम है अचार मिक्स्ड पिकल, और ये फ्लिपकार्ट वालों का ही है, इसमें मिक्स्ड अचार हैं सब तरीके के, और मुझे मिक्स वाला अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है 400 ग्राम का, इसमें प्राइस लिखे हैं 180, और मुझे ये पड़ा है 62 का दोस्तों, 62 का, आप देखिए जस्ट एंड हाफ रेट। सो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है ये हमारे आलमंड्स, ये 2 पैकेट हैं, 2 हैं इसके अंदर, और मैं बता देती हूँ कितने कितने के हैं। ये 250 ग्राम के 2 पैकेट हैं, 250 ग्राम के 2 हैं, और ये है इसमें लिखा है 698, मतलब 698 का है, लेकिन ये मुझे 275 के पड़े हैं। सो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दोनों 275 के 250 ग्राम के 2 मुझे मिल गए बादाम। और अब आते हैं ये पीनट, ये हैं ग्राउंड नट, पीनट भी बोलते हैं, मूँगफली के दाना, कहीं कहीं सींग दाना बोलते हैं, जो आप समझें। और ये है आधा किलो का है, देखिए आप लोग इसमें रेट लिखे हैं 129, ओके 129 लिखे हैं, और मुझे इसमें मुझे ये मिला है 71 का, ओके ये मुझे 71 का मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है, देखिए आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट कैश्यू में, ये भी फ्लिपकार्ट का ही है कैश्यू, और देखती हूँ कैसा रहता है इसकी वैरायटी। और ये है 500 ग्राम का, और इसमें 490 रेट दिए हुए हैं, और मैं आपको बताती हूँ ये कितने का मिला है, ये मुझे 297 का, 297 का मिला है, देखिए जस्ट एंड हाफ रेट में मिला है। काफ़ी अच्छी सेल है वहाँ की, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने 2 पैकेट बाउंस के मंगाए थे, जो कि बाहर 10-10 रुपए के मिलते हैं, और ये मुझे पड़ा है 9-9 रुपए के, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो मैंने आर्या के लिए मंगाया था, ये मुझे 9-9 का पड़ गया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये फिर मैंने ये ओरियो का पैकेट, जंबो पैक मंगाया ओरियो का, 5 पैकेट हैं इसमें, और जो कि 145 का है, देखिए आप लोग ये 145 का है, और मुझे कितने का पड़ा है, ये मुझे 80 का पड़ा है, ये पैकेट मुझे 80 का मिला है, 5 हैं वो जो 10-10 रुपए के आते हैं, ये 5 हैं इसमें, और ये मुझे 80 का पड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, ये सब आर्या के ही सामान हैं। नेक्स्ट आते हैं ये बर्बन है ये, इसमें 4 और गेट 1 फ्री है, 4 लेने पर 1 ये फ्री मिला है। सो ये देखती हूँ मैं कितने का है, ये ईच है 25 का, एक पैकेट 25 का है, और ये 125 की चीज़ मुझे 89 में मिली है, ये बर्बन मुझे 89 में मिला है। सो ये बहुत ही अच्छा है, बर्बन तो आर्या को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ, दुकान से लेने से बेस्ट है। और भी नेक्स्ट आते हैं, ये नमकीन है बीकानेर वालों की, और ये है भेलपूरी, जैसे हम लोग भेलपूरी घर में बनाते हैं, ये 2 पैकेट मुझे मिले हैं, 2 पैकेट हैं भेलपूरी के, और ये मैं बताती हूँ कितने का मिला है, ये 120 ग्राम के 2 पैकेट हैं, और 49 के हैं, और 98 लिखा है इसमें रेट, और मुझे ये मिला है
रुपये का हुआ। और नेक्स्ट आते हैं ये आर्या के लिए बॉल वाले जेम्स मंगाए थे जेम्स, और ये हैं जेम्स थे, और जेम्स मुझे ये पड़े हैं कितने के लिखा है रेड, बट ये मुझे 45-45 की मिल गई हैं, और ये ड्यू की मैंने मंगाई है, ड्यू 3 45 45 45। ये लास्ट मैंने अपने लिए मंगाया है नीविया लाइट मॉइस्चराइजिंग टीम, और क्योंकि एक्चुअली विंटर आ रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। ये नॉन देखिए सॉफ्ट नीविया सॉफ्ट, ये 100 ml की है दोस्तों, और इसमें रेट क्या लिखा है 185, इसमें रेट लिखा है 185, और ये देखिए आप लोग इसमें 185 लिखा है, और मुझे मिली है 116 की, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ अगर आप शॉप से लेंगे तो वो लोग तो रेट टू रेट देते ही देते हैं। और ये क्रीम नीविया तो वैसे भी अच्छी होती है, मैं आप लोगों को इसका रिव्यू ज़रूर बताऊँगी लगा के कैसा रहा। और सो फाइनली ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं ऐसे, और आर्या के आने के पहले मैं पैक कर दूँ इनको, वरना वो आके सब इधर उधर डिस्टर्ब करेंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ग्रॉसरी का कैसा रहा, और मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।